हटाना उद्देश्य है। और निश्चित तौर पर 24 में जब नीतीश कुमार जी ने बोल दिया 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे, तो 14 वाले 24 में नहीं नहीं रहेंगे। रहेंगे, ये लव कुमार जी ने साफ तौर पर कह दिया। बस मैं हितेश वाजपेयी के पास जाऊं उससे पहले लव कुमार जी इतना वो बता दो, ये भाजपा मुक्त भारत ही रहेगा या भाजपा मुक्त भारत के साथ कांग्रेस मुक्त भारत भी रहेगा आपका मामला, या कांग्रेस युक्त भारत के साथ में आप चलेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में काम करेंगे, नीतीश कुमार जी राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे, या अगर राहुल गांधी को करना है तो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना होगा, क्या चाहते हैं आप, थोड़ा स्पष्ट हो जाए। देखिए हिमांशु जी, जी मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि जो प्रशासनिक क्षमता, जी 17 साल मुख्यमंत्री रहने का, कई कई मंत्रालयों का के जिम्मा संभालने का, और नीतीश कुमार ने इस योग्यता के साथ इस काम को बखूबी निभाया है, मैं नहीं कहता। जी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्पीच कुछ दिन 15 दिन पहले का उठाकर आप देख लीजिए। वो कहते हैं नीतीश के सुशासन मॉडल का कितनी तारीफ करते करते नहीं थकते थे। कार्यकारिणी जी हुई इनकी पटना में, आप जेपी नड्डा जी का और अमित शाह जी का उठा कर देख लीजिए। वो कहते हैं मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 का भी चुनाव लड़ूंगा और 24 का भी चुनाव लड़ूंगा। तो नेतृत्व क्षमता पर तो मुहर इन लोगों ने पहले ही लगा दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के सामने इनका तो नीतीश नेतृत्व कुमार का नेतृत्व तो भाजपा ने सर्टिफाइड किया हुआ है, क्या बात करते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, विचार कीजिएगा, आपका नेता कहीं दिख नहीं रहा है विपक्षी एकता की मुहिम के अंदर। लेकिन मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास वापस आना चाहता हूं और डॉक्टर वाजपेयी से वापस बात करना चाहता हूं। कुल मिलाकर आपने लोगों को इतना परेशान कर दिया है डॉक्टर साहब, इतना हलाकान कर दिया है, इतना ज्यादा तड़पा दिया है कि अब लोगों को लग रहा है, अर्थात विपक्षी नेताओं को, कि कुल मिलाकर आप लोगों को ठीक करने का समय आ गया है। इसलिए कह रहे हैं सब भूलो, सब इकट्ठे हो, इकट्ठे होकर मैदान में उतरो। 63 बनाम 37 के आंकड़े के साथ में ब्रजमोहन जी भी हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी हैं, तो कुल मिलाकर 63-37 में भारी पड़ने वाला है। कितना डर रहे हैं आप हितेश वाजपेयी जी? देखिए हिमांशु जी, मैं चूंकि बहुत नीतिगत चर्चा है और देश के लिए अहम चर्चा है, तो मैं सब में ना पढ़ते हुए एक बात कहना चाहूंगा जी। कि देखिए आप देश का मूड समझिए, लोगों का मूड समझिए जी, और इसके आधार पर यदि दलों ने अपने अंदर शुचिता नैतिकता इसको लेकर यदि चेंजेस नहीं किए जी, तो पब्लिक रिजेक्ट कर रही है। पब्लिक पारिवारिक रूप से बंधित जितने भी दल हैं उनको पब्लिक रिजेक्ट कर रही है, और ये बात बहुत अच्छे से देखने में आ रही है। कांग्रेस की भी सबसे बड़ी दिक्कत बस यही है कि उसमें से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अच्छे लीडर नहीं है। मैं अजय भाई की बात को समझता हूँ, ब्रजमोहन जी बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर या जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं अजय भाई, वो उन लोगों का निजी अच्छे लोगों का किया गया कार्य, सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे लीडर हमारे मध्य प्रदेश से रहे हैं, ऐसा नहीं है, ब्रजमोहन जी खुद रहे हैं।